काफ़ी अच्छा माल आना शुरू हो गया है, जहाँ पे कल की 29 AD मूवी की तरफ से हमें एक कैरेक्टर अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिला है, जहाँ पे कैरेक्टर अनाउंस के तौर पे अश्वत्थामा का अनाउंसमेंट किया गया है। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि अश्वत्थामा कौन है तो मैं बताता हूँ। अब महाभारत तो सबको पता ही होगा, तो महाभारत में गुरु द्रोण जो कि कौरव और पांडवों के गुरु थे, उनके पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के जन्म से ही उसके सर पे एक मणि था, जिसे उसे वरदान था कि उससे ना तो उसे कभी कोई बीमारी होगी, ना ही वो एज करेगा और वो रहेगा इमॉर्टल इनविंसिबल। पर जब पांडवों ने युद्ध के दौरान गुरु द्रोण को मार दिया, तब अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और उसके बाद वो पांडवों को मारने के लिए चला गया, पर उसने गलती से पांडवों की जगह पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। उसके बाद पांडव और श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर से वो मणि निकाल के उसे श्राप दिया कि वो समय के अंत तक जिंदा रहेगा और उसके सर से खून बहता रहेगा और उसे दर्द होता रहेगा और वो खून कभी बहना बंद नहीं होगा। अब टीजर में भी हमें दिखाया गया है कि अश्वत्थामा के सर से खून बह रहा है, तो वो खून इसी वजह से बह रहा है। और हमें एक सीक्वेंस ऐसा भी दिखाया गया है जहाँ पे अमिताभ बच्चन को डीएज किया गया है और वहाँ पे अश्वत्थामा के सर पे मणि भी है, तो शायद से ये सीन महाभारत का हो सकता है। पर टीजर के लास्ट में हमें दिखाया गया है कि अश्वत्थामा के सर पे वो मणि वापस आ चुका है और उसके सर से खून भी बहना बंद हो चुका है। अब ये कब और क्यों हुआ वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें टीजर में एक बच्चा भी दिखाया गया है जो कि अलग अलग लैंग्वेज में अश्वत्थामा से कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब वो बच्चा शायद प्रभास भी हो सकता है, क्योंकि अगर मूवी की बात करें तो मुझे लगता है कि कल्कि को अश्वत्थामा एज ए गुरु ट्रेन करेंगे। और लगता है कि इस मूवी में और 6 चिरंजीवी भी होगी, जहाँ पे कुल मिला के टोटल 7 चिरंजीवी है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको जानना है कि डेडपूल का ट्रेलर कैसा है तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।